यहाँ से उरस है अब इतवार के दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर यहाँ से गिर गए कोई लोग तो कौन इसके जिम्मेदार है? वकबोट है क्या? डायरेक्ट मैनेजमेंट में है वकबोट के। हम तीन दो और उसके परमिशन लिए हैं कि हम टीन शेड बांधने हैं कि लोग टेम्प्रोवरी कोई गिर ना जाए, और उससे हाईकोर्ट से डायरेक्शन होगा कमेटी बनाओ बोल के, टॉयलेट कमेटी। अभी तक वकबोट नहीं बना रहा और कई साल से अपनी निगरानी में जो इलीगल है, गैर कानूनी है। 5 साल से ज़्यादा वकबोट अपनी निगरानी में नहीं रख सकता कोई इदारे को। देखिए ये सब हम टेम्प्रोरी कर रहे, हमारे ओन पैसों से कर रहे हम, ये किसी से लिए नहीं। ये पूरी दीवार 200 साल अधिन दीवार गिर गई, टेम्प्रोरी दीवार उठाए थे वो भी गिरने पर। अब बताइए साहब, आप पहले ये जो दीवार वगैरह टूटे हैं तो आप वकबोट को नहीं बताएं किसको बनाने के लिए? साहब हम बारहा दरखास्त दिए, कमेटी का डायरेक्शन होगा हाईकोर्ट से 3 महीने में बनाओ, कंटेम्प्ट की नोटिस भी देखिए वकबोट को जी। अब तक जो नहीं रहेंगे कान वकबोट वालों के ऊपर। ये जो मकाना किसके है ये बाजू में? ये मकाना तो सब ये वक्फ में है, सब उसके जिम्मेदार लोग हैं, कमेटी जिम्मेदार है उसके। वो भी गिरने को आई भी है दीवार। हाँ वो तो खदीम दीवार है ना, गिरने पे। ये हमारे दादा की दरगाह है जद्दे आला की। क्या है सर दरगाह का नाम? हजरत इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। करीब 200 साल की दरगाह है। कहाँ पर है ये? बालापुर दरगाह के आते में ही है। ज्यादातर ये बालापुर की दरगाह, बालापुर की दरगाह जमाने से मशहूर है। यहाँ से नहीं, आप कहीं भी पूछ ले सकते हैं। बालापुर की दरगाह, बालापुर भी दरगाह के नाम से मशहूर हुआ है। अब यहाँ जरा थोड़े बहुत खानदानी इख्तलाफा थे, उसमें क्या करें, हम जेर निगरानी करें जगह 6-7 साल से। वकबोट वाले आके रोज करते थे। अब ये कुछ हमारे कहने सहूलत नहीं, हम चंदे वंदे लेने वाले नहीं। हम एक फुखरा लोग हैं, ख़ानदानी औलाद है उनकी, उनका उरस हम कर लेते थे। अब जब वक़्फ़ का दखल हो गया तो वक़्फ़ वाले बोले हम करते, आपके झगड़े ख़त्म हुए तक बोले, मुतवल्ली को मुअत्तल कर दिए। मुतवल्ली को बहाल करने के वास्ते कोशिश चल रही है, इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। हो गए बाद इनका क्या भी नहीं दखल। अब ये बारिश का मौसम है, कुछ आदमियों को तकलीफ नहीं होना, बल्कि खाना वाना खिलाने के वास्ते कोई आपके जैसे साहब आके बोले हम डाल के दे देते हैं, बोले हम दलाने को रेडी हुए। अब ये आके वकबोट वाले रुका दिए। जाता है कि आप लोगों को रहने के लिए यहाँ दिए थे, तो आप लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोलके ऐसा बताएं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे को बेचने का क्या, हमारे उल्टा खूना बहा लिए हम लड़ के लोगों से, उन्हें आके यहाँ कुछ गलत करा लड़ लिए। बहरहाल बहुत दरगाह की हिफाजत सिवाय हमारे और कोई ख़ानदान वाले नहीं करे। आप किसी से भी पूछ ले सकते हैं, आपसे नहीं। हम बोले आपको रखने के लिए जगह दिए, कब्जे कर लिए। हमारे को कौन देता, हमारे को कौन देता जगह हजरत? हम उनको आने को दे रहे हैं यहाँ। अब जो भी साहब आपको ये बोले हैं उनको आने का देने की परमिशन हम ले रहे हैं, नहीं तो उनको 2 मिनट में रोक दे सकते हैं हम। हमारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोले ख़ानदानी बिरादरी है, चलो आगे कर लेके जान दे उनका, हमारा क्या है, गुजरान है। ये वकबोट में अभी जो बताया गया, ये आप ही के खानदान के कोई रिलेटिव बताए? हाँ दिए हैं उन्होंने खुद दिए हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं है। खाली जुमेरात पाशा बोल सकते हैं उनको। अच्छा। जुमेरात पाशा उरस पाशा। अच्छा। जुमेरात को आके फूल चढ़ा के चले आते, उरस को उरस बाजे वाजे ला के नाच के खा के संदर चढ़ा के चले आते। जुमेरात पाशा है, आते ना जाते उन्होंने, बस आगे हिमाकत करते हैं। हमारे बाप की है वो, हमारे दादा की है, उनके दादा के साथ भी बैठा सरोटा सो वाला हूँ मैं, उनके दादा। तो सर ये अभी ये बताया गया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर भी हमने अभी देखे हैं, तो ये जो इंक्रीजमेंट आप किए हैं तो ये आप लोग वकबोट से क्यों नहीं करवाए? क्योंकि दीवारें टूटे हुई है, ये है, तो वकबोट आपको कोई साथ नहीं दे? बोला ना मैं आपको, हमारे खानदान में एक नहीं होते। अब हम वकबोट से कराने को गए, बीच में उनकी एक दरख्वास्त डाल देता, एक रिक्वेंट लगा देता, वो खाफ वाले उधर मुड़ जाते। गधों का हिसाब है, समझिए आप, जिधर हरी उधर चरी। हमारे कहने हरी दहेज नहीं, हमारे कहने कौन चरने आएगा? आज तक एक रिक्वेंट नहीं लगाया मैं, आज भी 15 साल से वकबोट को जा रहा हूँ मैं, एक रिक्वेंट नहीं लगाया मैं, खुद ही से काम करा। आप पूछ ले सकते हैं वहाँ जाके। तो अभी ये जितने लोग हैं आपके चाहने वाले हैं, जो दरगाह उर्स के जो मानने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि मैसेज कोई गलत जा रहा है बाहर, तो अभी क्या बोलेंगे आप आवाम को? क्या बोलेंगे आवाम को? क्या बोलेंगे? अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रही उन्होंने,
ذاتی دشمنی نکال رہی, کیوں بولے تو ملو بولے تو مل رہی بھی نہیں, آؤ بولے تو آ رہی بھی نہیں. اجڑ کے ان کی دکان, ان کی مسجد الگ ہے, ان کی امامت الگ ہے, اب انہوں کوسے کوسے خطبے دے لے رہے ہیں کہ ہم تو سنے نہیں, اب جو سن رہے ہیں ان کے پیچھے ہے آدمیاں. ہاں تو ابھی آپ لوگ جو یہ بنائے ہیں تو یہ عوام کی اچھائی کے لیے؟ اچھائی کے لیے ہم نہیں بنائے حضرت, بنانے والا کوئی اللہ کا بندہ ہے. اتنے پیسے ہم نہیں خرچہ کر سکتے, ہم یہاں درگاہ کی نگرانی کرنے سے بہت بڑی بات ہے. پورے بچپنے چلے گئے ہمارے, ہمارے کاروبار چلے گئے, ہمارے بچوں کے تعلیمات چلے گئے, کئی کو درگاہ کی سیانت کے واسطے رہو بھائی. دادا پیر اتنا بڑا چھوڑ کے گئے, رہنے کو گھر ہے, گھرا ہے, بوڑیاں ہے, مسجد ہے. ہاں تیرہ ہزار تین سو تینتیس گز زمین ہے ہمارے کو گڑنے کے واسطے, دوسرے کو گڑنے دیتے نہیں ہم یہاں, صرف ہمارا خاندان کا معاملہ ہے یہ, کوئی دوسرے کا معاملہ کوئی آگے نگرانی نہیں کرتا. کوئی مرے تو آتے گاڑ کے چلے جاتے, دوسرے دن آ کے کھڑے گئے سلامہ پڑھتے چلے آتے, سال کو جمعرات کو آ کے پھول ڈالتے تھے چل دیتے. یہاں اچھا برا لڑنا, درگاہ پہ بس آوارہ بچے آ جاتے عورتوں کو لے لے کے, اب ان سے لڑنا جھگڑنا, مارا کھانا, مارنا, پولیس میں جانا, کون کر رہی؟ ہم کر رہے ہیں, تم کرتے ہی پھر کیسا بول رہے ایسا آ کے؟ یہ اچھے کام کو رکا ڈالا, اچھے کام کو رکا ڈالا. کون ہے وہ خبیث کا بچہ میرے کو تو نہیں معلوم, سمجھے؟ صاحب ووٹ والے آئے تھے ابھی یہاں پر تو ابھی کیا بولے, کام رکنے کے لیے بول دیے؟ کام رکنا ہے, اجازت نہیں لیے نہ بولے. ہم بولے دو گھنٹے کا کام, چار گھنٹے کا کام ہے, ہو جاتا, لوگوں کو تکلیف ہو جاتی, کل رس ہے, بول کے بولے تو سنے نہیں, ہوں پرمیشن لے بولے, اچھی بات ہے لیتے, بول کے بھیج دیے ہم. اب کام رکا دیے, دیکھو آپ ذرا, دیکھو آپ ذرا وہ کرو, پولیس آ جاتی, پولیس بھی ادھر کی بات کرتی. وہ کیا ہے ہمارے میں عادت کیا ہے, بل میں بل اپنا بل پرایا بل چولہے میں جلا. باپ کہنے آ کے میں ایک دو منٹ کے اسے فون کرا دوں گا, آپ فون کر کے چلے جائیں گے, میرا کام ہو جائے گا, دوبارہ تکلیف آئی تو میں آپ کہنے آیا تو بولیں گے آپ جاؤ حضرت کیا خالی آپ یہ کرتے ہیں. ادھر بے غرتے آدمیاں ہے, یہ کام میں غلط باور کرا لے کے, یہ ہمارے باپ کی ہے, یہ ہمارے دادا کی ہے, ہمارے دادا بڑے ہے, سپریم ہے, کیا کی ہے, ان کے دادا کو بھی ہم جانتے ہیں, دادا کو بھی جانتے ہیں, چچائیوں کو بھی جانتے ہیں, سب کو جانتا ہوں میں. ٹھیک ہے, سمجھے آپ, ذرا مہربانی کر کے آپ یہ خاص طور پہ ڈال کے یہاں ہمارا خاص خیال کرو آپ, ہم درگاہ میں سوائے ہمارے کون بھی نہیں ہے بس.